हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। अभी तक हमने 58 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 59 नंबर है। तो अगर आप ये पहले के प्रैक्टिस सेट या फिर इसके अलावा जो मैंने क्लासेस दे रखी है या फिर बिना काउंटिंग के जो मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं उन सबको आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक संरचना, कार्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं अनुवांशिकी। नीचे देखते हैं, नीचे कोशिका उत्तक से क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इस पीडीएफ में 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन को एक बार में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में कराएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कोशिका। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर गोल जैसी रचना दृष्टिगोचर होती है। अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो कि वानस्पतिक कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक तथा जीव द्रव्य। केंद्रक तथा वनस्पति कोशिका तथा जीव जंतु कोशिका में समान रूप से केंद्रक तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है एवं पादप कोशिका सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है, पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें लवक अनुपस्थित होता है और इसमें लवक पाई जाती है। इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है और इसका आकार लगभग आयतकार होता है। आकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को थोड़े ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो कोशिका, कंकाल, उत्तक या फिर पेशी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तक। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। कई बार उत्तक ना लिख करके एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, और यहाँ ऑप्शन में टिश्यू दे दें, इसलिए दोनों को ध्यान में रखेंगे। और कई प्रकार के उत्तक या फिर टिश्यू मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ डैश कोशिका ही अपवाद होती है। तो कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक होता है और डैश कोशिका ही अपवाद होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रौढ़ लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कि एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लंबे एवं पतले। एक्टोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर लंबे तथा पतले होते हैं। ये मोटे व्यक्तियों के अपेक्षा यह अधिक समय तक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कि डैश कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है, तो क्या करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेवन कि अनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट कि डैश कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कि डीएनए पाया जाता है, तो किस में? राइबोसोम में, क्रोमेटिन में, राइबोसोम में या फिर कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, क्रोमेटिन में या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेटिन धागे डीएनए में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन कि यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है, तो क्या है? तो कोशा, अंग, मांसपेशी या फिर हड्डी। तो यहाँ पे कोशा, कोशिका को हम कोशिका भी कहते हैं। तो कोशा या फिर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने
कोशा तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुड वैज्ञानिक ने की थी। शारीरिक संरचना और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। देख लेते हैं इनके बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका रचना में ये कोशिकाएं सबसे पुरानी होती हैं। इसमें केंद्रक तो पाया जाता है लेकिन केंद्रक पर केंद्रक कला का अभाव रहता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल इत्यादि। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? तो जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीव कोशिका यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि व्यायाम के दौरान व्यायामी को क्या करना चाहिए? जितना पसीना निकले उतना द्रव्य लेना चाहिए, या फिर इतने सारे ऑप्शन पढ़ने से क्या फ़ायदा? और ऑलरेडी मैंने अदर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करा रखे हैं। तो यहाँ हो जाएगा खपत जितना हो पूरे दिन में पीना चाहिए। तो व्यायाम के दौरान एक व्यायामी की खपत जितना पूरे दिन पानी पीना चाहिए। व्यायाम करते समय या उसको करने के तुरंत बाद ना तो नहाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि डीएनए डैश में उपस्थित होता है। तो डीएनए ऑप्शन नंबर सी केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि डैश अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है और लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डॉब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एटीपी का विस्तार है तो क्या है? तो एटीपी का विस्तार है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह ऑक्सीकरण तथा फास्फोसीकरण की क्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की डैश स्वयं प्रतिलिपिकारी है। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी संरचना या फिर केंद्रक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रतिलिपिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप इसके डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और जहाँ इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं उसे खुद पढ़ के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड है जल भीरु, ए तथा सी दोनों जलप्रिय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जल भीरु तथा जलप्रिय। कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड जल भीरु तथा जलप्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कोशिका का शक्ति निवास है तो क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस शक्ति निवास कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का एडिनोशिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में होती है। इसका निर्माण एडिनोशिन डाइफॉस्फेट एवं कार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है जिससे उत्पन्न ऊर्जा कोशिका के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर ए मियोसिस कहते हैं। कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे मियोसिस कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी। लेकिन इसका नामकरण फार्मर एवं मुरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि शरीर के टिश्यू में पानी का जमा होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओडिमा। शरीर के टिश्यू में पानी का जमा होना ओडिमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में यौन अनुपात क्या है? तो भारत में यौन अनुपात ऑप्शन नंबर ए 993 है। 1000 लड़कों पे कुल 933 लड़कियाँ हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या फिर लाइसोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 22 कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही देखा था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी तथा सन 1839 ईस्वी में स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23 में जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मा के कार्बनिक अणुए ऑप्शन नंबर सी वसा और न्यूक्लियक अम्ल डीएनए और आरएनए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके थोड़े से डिटेल्स देख लेते हैं। जीव द्रव्य में कार्बनिक अणु वसा और न्यूक्लियक अम्ल डीएनए एवं आरएनए के बने होते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है क्योंकि जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं। यह एक रंगीन अपारदर्शी तथा अर्धतरल पदार्थ है जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक वसा एवं प्रोटीन पदार्थ घुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन सी अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होगा क्योंकि केंद्रक का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। धातव्य है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पति और प्राणियों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो सभी अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक विज्ञान संबंधी कार्य हैं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। इसके डिटेल्स हम देख लेते हैं। डिटेल्स में दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली का शरीर विज्ञान संबंधी प्रमुख कार्य कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना है। कोशिका झिल्ली विभिन्न पदार्थों को कोशिकाओं के भीतर अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर आवागमन पर नियंत्रण रखती है जिसके कारण इसे चयनात्मक अर्ध परागमक झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और ये टीजीटी 2016 और 2006 दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा के संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि मानव कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़े जो कि महिला एवं पुरुष के समान होते हैं एवं 23वां जोड़ा एक्स एवं वाई गुणसूत्र। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में एक्स एवं वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहें तो डिटेल्स को यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि असंख्य छोटी छोटी इकाइयों को जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं वह नामक सर्वप्रथम कोशा रखा गया जिसका श्रेय जाता है। तो उसका श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी जिन्हें कोशा नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोशिकाओं के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। कोशिकाओं के जीवन का मुख्य आधार के रूप में केंद्रक को कहा जाता है। मुख्य केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी तो केंद्रक के चार भाग होते हैं जो कि निम्न होते हैं। रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे। और केंद्रक के चार भाग होते हैं केंद्रक द्रव्य केंद्रिका एवं क्रोमैटिन धागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। इसी विभाजन के कारण संतानें लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखना कार्य रूप है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी कोशिकाओं के।
शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके कारण इनमें अंततः कोशीय पदार्थ भी सामान्य से अधिक विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, एटीपी संबंधित है, तो एटीपी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया से। अभी हमने देखा था कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित होता है और इसके बारे में पूरे डिटेल्स देखे थे, आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं वीडियो को एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा एटीपी एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण एडीनोसिन ट्राई फास्फेट तथा और कार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि उत्तकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपकला। उत्तकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शरीर के गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे उपकला उत्तक कहते हैं। उपकला उत्तक पूरे शरीर में फैले हुए हैं। वे शरीर की सभी सतह रेखा शरीर गुहाओं और खोखलों अंगों को कवर करते हैं और ग्रंथियों में प्रमुख उत्तक वे कई प्रकार के कार्य करते हैं जिनमें सुरक्षा स्राव अवशोषण उत्सर्जन निष्पादन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दी गई सूची में स्थगित कार्य के संकेतक कौन है? तो यहाँ पे हमें कूट में आंसर देना है। तो कूट में हमारे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी डी। मांसपेशियों का सर्वाधिक रक्त प्रवाह, मांसपेशियों में अविच्छिन्नित संकुचन एवं डी ऑक्सीजन मुक्त ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है कि पेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र है तो कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्गोमीटर। ऑर्गोमीटर से पेशियों के थकान को मापा जाता है। और कौन से अम्ल इकट्ठा हो जाते हैं जिस कारण हमें थकान महसूस होता है? आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मैं एक दो क्वेश्चन के बाद बता दूंगी, तब तक आप सोच सकते हैं। यहाँ पर हमें कथन एवं कारक में आंसर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वजन को जमीन से उठाने के लिए पीठ की मांसपेशियों की बजाय टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कारण में दिया है कि पीठ के मांसपेशी टांग के मांसपेशी से कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों ही सही हैं। देखते हैं, वजन को जमीन से उठाने के लिए पीठ की मांसपेशियों की बजाय टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पीठ की मांसपेशी टांग के मांसपेशियों से कमजोर होते हैं। अतः कथन है और ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? देखिए वो क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। देख लेते हैं यहाँ पे कि शक्ति व्यवस्थापन में थकान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। थकान दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक थकान, एक होती है मानसिक थकान। शारीरिक थकान किसी व्यक्ति द्वारा लगातार कार्य करने से उत्पन्न थकान को शारीरिक थकान कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होने लगता है, इसके फलस्वरूप CO2 जल एवं लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिससे थकान अनुभव होता है। और मानसिक थकान होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं नीरस, एक होते हैं कुंठाजन। जो नीरस होते हैं, नीरस के अंतर्गत आते हैं बोरियत एवं उबासी या फिर कमी बोल सकते हैं, और कुंठाजन में आते हैं असफलता का डर एवं कार्यकुशलता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐठन होने लगती है। वही क्वेश्चन है सेम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है तो मांसपेशी थकान को, हड्डी के थकान को, मांसपेशियों के बीच का या फिर टिश्यू की एफिशिएंसी का। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों के बीच के थकान को मापता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि पेशीय तनाव टिटेनी नामक रोग होता है
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर में कैल्शियम के स्तर का कम होने से। टिटेनी नामक रोग शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से होता है। कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर के ठोस तंतु में पाई जाती है जैसे कि हड्डी, दांत तथा 1% कैल्शियम रक्त में, मांस, जिगर एवं हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रक्षेपित गति, प्रक्षेपित गति हो जाएगा गुरुत्व विरोधी मांसपेशियाँ, एवं अस्थैतिक गति, अस्थैतिक गति हो जाएगा कोहनी जोड़, और अस्थैतिक संकुचन, अस्थैतिक संकुचन हो जाएगा अचल वस्तुओं को उठाना, एवं फ्लेक्स मतलब अकोचनी तथा एक्सटेशर यानी प्रसारणी, ये जुट जाएंगे। एक मिनट, प्रक्षेपित गति हो जाएंगे स्कंद जोड़, अस्थैतिक गति हो जाएंगे कोहनी जोड़, अस्थैतिक गति हो जाएंगे कोहनी जोड़, और अस्थैतिक संकुचन हो जाएंगे अचल वस्तुओं को उठाना, अचल वस्तुओं को उठाना, और फ्लेक्स रस और तथा एक्सट्रेस हो जाएंगे गुरुत्व विरोधी मांसपेशियां, और संकुचन हो जाएंगे आकुचन तथा संकुचनों का संकुचन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम इजीली देख लेते हैं एक बार, प्रक्षेपित गति हो जाएंगे स्कंद जोड़, अस्थैतिक गति हो जाएंगे कोहनी जोड़, अस्थैतिक संकुचन हो जाएंगे अचल वस्तु को उठाना, और आकुचन हो जाएंगे गुरुत्व विरोधी मांसपेशियों तथा प्रसारण, और संकुचन हो जाएंगे आकुचन तथा संकुचनों का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन तथा कारक से रिलेटेड है। कार्य निष्पादन में योगदान दिए बगैर देह को या उसके किसी भाग को स्थिर स्थिति में रखने के लिए आवश्यक स्थैतिक मांसपेशी संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम निकलता है। कारण में दिया है कि मांसपेशी गतिविधि के दौरान रक्त वाहिकाओं का अधिरोधन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है, जिसका परिणाम दर्द तथा मांसपेशीय निर्बलता होता है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए तथा आर दोनों ही सत्य है। कार्य निष्पादन में योगदान दिए बगैर देह को या उसके किसी भाग को स्थिर स्थिति में रखने के लिए आवश्यक स्थैतिक मांसपेशी संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम निकलता है, क्योंकि मांसपेशी गतिविधि को के दौरान रक्त वाहिकाओं के अवरोधन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकती है, जिसका परिणाम दर्द तथा मांसपेशियों में निर्बलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि उधर आंतभित्ति डैश से बनी होती है। तो कंकाल मांसपेशियों से, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, मृदु मांसपेशियों से। उधर आंतभित्ति मृदु मांसपेशियों से बना होता है। हमारे शरीर में अंगों की गति एवं गमन के लिए विशेष प्रकार के सफ़ेद या लाल उत्तक होते हैं जिन्हें स्मूथ मसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कि शरीर में श्वेताशार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस उत्तक के रूप में जमा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिपोज उत्तक। शरीर में श्वेताशार मतलब स्टार्च की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे एडिपोज उत्तक मतलब कि वसीय उत्तक में एकत्रित हो जाते हैं। सामान्यतः शरीर में अवशोषित होने वाला स्टार्च आवश्यकता से अधिक वसीय उत्तकों में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में है कि मांसपेशियों के कार्य सरलीकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 4, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन। मांसपेशियों के कारण कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर की हिलना डुलना फ्लेक्सियन तथा एक्सटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें कथन तथा कारक में क्वेश्चन देखना है, देख लेते हैं या फिर देखते हैं अगर इसके आंसर इधर इजी शॉर्ट फॉर्म में दिया हो तो वही पढ़ लेंगे। द
ताकि समय की थोड़ी बचत होगी। देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतत मांसपेशिया गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन दैहिक मांसपेशियों के अंदर की उपस्थिति में ग्लाइकोजन संवहित होता है और इसका उपापचय लैटिक एसिड CO2 ऊष्मा तथा आर्द्रता के साथ ऊर्जा निष्कासन करता है। इस प्रकार ए तथा आर दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी ऊतकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48 कि पेशियों के शीरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंडराओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि शरीर में लगभग मांसपेशियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 से 600 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है, तो पेशियों के विकास के लिए आवश्यक ये सारे ही हैं, प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम एवं विश्राम एवं स्वच्छ वायु। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुंद या फिर बेली क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह एक प्रकार का मध्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ होती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि स्वस्थ शरीर में पेशियाँ सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, यह क्या कहलाती है, तो ये मसल टोन कहलाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि मांसपेशियाँ जल प्रोटीन खनिज लवण तथा वसा आदि, तो ये हो जाएंगे 70%। मांसपेशियाँ प्रोटीन जल लवण तथा वसा आदि का 70% होती है। मांसपेशियाँ मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती है। मांसपेशियाँ अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह परतों के रूप में पाई जाती हैं। शरीर में छोटी बड़ी 639 मांसपेशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कि मांसपेशियाँ शरीर के कुल भाग के लगभग कितनी होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। मांसपेशियाँ शरीर के कुल भाग के 50% होती हैं। शरीर की समस्त पेशियाँ पेशी ऊतकों से निर्मित होती हैं। पेशी ऊतकों का निर्माण मूल रूप से पेशी कोशिकाओं से होता है। इसके तीन भाग होते हैं, मूल स्थान या मूल बंध, तुंद या फिर कंडरा या फिर निवेश। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का 57 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों के द्वारा। मांसपेशियों द्वारा शरीर की गति संभव होती है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियाँ अस्थियों से जुड़ी रहती हैं एवं अस्थियाँ स्वतः गति नहीं करती, अस्थियाँ पेशियों की सहायता से कार्य करती हैं। पेशियाँ मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती हैं। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन आज हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का देख लेंगे, आगे अस्थि तंत्र। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।